क्या पड़े मैया ने क्या की उखल में बांध दी। जब कृष्ण ने मिट्टी खाई सता ने शिकायत की सीता मैया जाकर के कृष्ण को कान पकड़ती है बोले चिवरे चोर चोटे तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण डर से कह देते बोले मैया ना आम भक्सी तबानम वो सर्पे मिथ्या भी संसिनम। मैया सब में सब झूठ बोलते हैं और तू बड़ी भोली भाली हो मेरी बात तो सुनते नहीं। भयो गई अन को पाछे माधु नमो ए पढ़ायो तो ना भैया मोरी मैंने ही मां खायो तो ना भैया मोरी मैंने ही मां खायो। कृष्ण मैया की डर के मारे कृष्ण झूठ बोल देते मैया मेरे को मारे नहीं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण अगर थोड़ी सी कोई उल्टा पुल्टा ब्रज में किया तो मैया छोड़ी नहीं डांट लगाई उसका शासन की उखल में बांध दी। लेकिन यहाँ पर श्री महाप्रभु ने इतने मटकी मटकी फोड़ फाड़ दिए इतने सब कुछ कर लिए लेकिन सची मैया कुछ भी नहीं बोली चुपचाप खड़ी रही। जब सबके सब महाप्रभु हैं लास्ट में लौट गोड़ खाने लग गए बाद में फिर महाप्रभु को नींद आ गई महापुरुष हो गए जब उनका नींद खुली शांत हो गए फिर मैया कहते हैं लाला तूने जो बर्बाद की किसकी बर्बाद तुमने किया है अपना घर का ही बर्बाद किया है। अभी ठाकुर जी के लिए रोसी बनाने के लिए कुछ तो है ही नहीं तूने फोड़ फाड़ दिए फिर मटके मटके बताओ ठाकुर के लिए खाना कैसे बनेगा अभी तुम खाना कहाँ से खाओगे बर्बाद हुई तो किसका बर्बाद हुई है। देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं बोले मैया तू चिंता क्यों करती हो भगवान का नाम विश्वंभर है ना विश्व को तो भरण पोषण करने वाले ठाकुर जी है थोड़ी हम कुछ करने वाले हैं भगवान सब देने वाले करने वाले। भैया कोई चिंता मत करो पता नहीं महाप्रभु कहाँ गए एक सोने की ढेला गया सोने की ढेला ला करके बोले भैया ले इसको तोड़ करके सारे सामान। भैया तो डर गई ये कहाँ से सोने लाया हाँ ये सोने की ये ढेला कहाँ से ले आया किसके घर से तो उठा कर नहीं ले आया घर में तो है ही नहीं। लेकिन भैया सच्ची भैया है ना वो तो शुद्ध वात्सल्य प्रेम है मेरे लाला तो नीमा ही है नीमा ही ये तो गौर हरी है ये तो छोटा सा बच्चा है उनको तो पता नहीं ये कौन है हैं ये कौन है विश्व ब्रह्मांड का मालिक है लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करने वाली ये है ये साधारण नहीं। अरे घर घर में जाकर पूछती ये तुम्हारे घर का तो सोना नहीं तुम्हारे घर से तो नहीं गया तो नहीं हमारे घर से का हमारे घर से तो ठीक ठाक है। फिर मैया जाकर के तोड़ करके फिर दुकान पे जाती है दाल चावल सब्जी फिर लेकर के मैया है और ला करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा कर खिलाती है। इसलिए महाप्रभु बचपन में इस मधुर मधुर महाप्रभु ने अपना सुंदर सुंदर लीला की। उसके बाद में ये नवम अध्याय आती है जिसमें श्री माधवेंद्र गुरु और श्री नित्यानंद प्रभु की कथा और माधवेंद्र पुरी को साथ में श्री नित्यानंद प्रभु का कैसे मिलन हुआ इसमें ये नवम अध्याय में ये कथा थी। बोले जिस समय श्री महाप्रभु का आदेश से श्री नित्यानंद प्रभु ने राहर देश में ऑलरेडी वो जन्म ले चुके हैं वहां पर जन्म ले करके श्रीमान नित्यानंद प्रभु और वहां पर जितने सबके सब ग्वाल बाल है कृष्ण इच्छा से सबके सब बाल बाल ऑलरेडी वहां पर जन्म हुए हैं। एक चक्रा हम पहले सुना था ना एक चक्रा क्यों नाम पड़ा है कृष्ण ने वो चक्र को फेंका था और वहीं पर चक्र गिरते 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 करते वहीं पर गिरा था और वहीं पर राह देश नहीं राधा देश है कहते अभिन्न ब्रज मंडल उस्तानी है गुप्त वृंदावन है वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिए सब ग्वाल बाल वहीं पर जन्म हुए हैं और वहीं पर ही कहते जितने सारे कृष्ण का बाल्य लीलाओं को सबके सब वहीं पर उन्होंने लिख दिया। जैसे कंस कैसे उपद्रव मचाया उपद्रव मचाने पर पृथ्वी कैसे दुखी हो गई ब्रह्मा जी को पास में गई फिर ब्रह्मा जी श्री शंकर जी को पास में गई फिर इंद्र को लेकर कैसे खीर समुद्र को पास में
जा करके भगवान को कैसे स्तुति करते हैं, कैसे आकाशवाणी होती है, बोले हे देवताओं तुम लोग का सारे दुख का बात मैं समझ गया हूँ, जाओ सबके सब तुम लोग जा करके जदुवंश में तुम लोग जन्म ग्रहण करो, मैं जल्द से जल्दी आ रहा हूँ। हे देविया तुम सबके सब जा करके श्री गोपी घर में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। इस सब के सब वहां पर लीला करते हैं और कैसे वहां पर हैं, वहां पर कैसे अवतीर्ण होकर के कैसे देव की वसुदेव कैसे जेल में बंदी है, हैं कैसे जेल में बंदी, कंस कैसे उनको पर अत्याचार करता है और कैसे देव की वसुदेव भगवान को पुकार के प्रभु कब जन्म ग्रहण करके दुष्ट के हाथ से कब हमें निकालोगे। इसलिए कि सब के सब वहां पर लीला करते हैं, वहां पर पुतना को कैसे मारे हैं, कैसे वहां पर कृष्ण जैसे बचपन में हैं जैसे गोपों घर में कृष्ण बलराम जा करके कैसे घर घर में मक्खन चोरी करते थे, दूध पीते थे, ये सब के सब नित्यानंद प्रभु वहां पर सब के सब लीला वहां पर की है करके कैसे गोचार ने लीला की और वहां पर कैसे उन्होंने श्री कुबलया हाथी को कैसे बध किया, चारणों मुष्टी को कैसे बध किया, कंस बध कैसे किया, कभी ये सारे लीला करते थे। करते करते एक लीला विशेष लीला है, कौन सा लीला है, राम लीला, कैसे उन्हें राम लीला करते थे और उन्होंने पूरा राम लीला हो गया। हाँ इसको हरे कृष्ण केवल मेरे को दिखा हो जाएगा क्योंकि लोग उसमें देखते होंगे ना, देखते हरे कृष्णा भैया लाइट चली गई, आप लोग जो देख रहे हो मेरे को देखते रहो और कथा सुनते रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्णा एक दिन उन्होंने अपना बाल ग्वा बाल ग्वाल बालों को लेकर के उन्होंने दो पार्टी हो गए, एक पार्टी तो हो गया राम पार्टी और एक हो गया रावण का पार्टी, दो पार्टी हो गए। पाठ करके लक श्री नित्यानंद प्रभु कौन सख्यात लक्ष्मण है, इन्होंने पाठ ले लिया, लक्ष्मण का पाठ ले लिया और दूसरा पार्टी में बना दिया किसको, मेघनाद को हैं दूसरा पार्टी में। बोले हम दोनों युद्ध करेंगे और युद्ध करते करते और इसमें बना दिया एक हनुमान को, बोले देखो ये मेघनाद ने मेरे को जब शक्ति शैल की प्रहार करेगा मैं उस समय बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा और तू हनुमान बनना, हनुमान बनकर तुम चल जाना जा कर के गंधमार्दन पर्वत को उठा कर ले आना और वहां से विशलकरणी, विशलकरणी आकर मेरे को सुंगा दोगे ना मैं जिंदा हो जाऊंगा। बोले ठीक है, एक तरफ में सब बंदर सैनिक हैं और एक तरफ में मेघनाद, अभी दोनों में युद्ध होते होते इतने में मेघनाद ने उठाया बाण और मारे लक्ष्मण को हैं। लक्ष्मण और श्री नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं और एकदम पूरा आविष्ट थे उसी में और बाण लगते ही वहीं पर वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गए तो जैसे पूरा ही श्वास ही बंद हो गया। अभी जितने बच्चे लोग थे वो सोच रहे थे हम तो लीला कर रहे हैं खेल रहे हैं और सचमुच से या नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण का आवेश में आकर के सचमुच से प्राण त्याग देते, किसको क्या पता था, जब देखा ये तो पूरा श्वास बंद हो गया, नाड़ी बंद हो गया तो पूरा के पूरा बेहोश हो गिर पड़े और जो नित्यानंद प्रभु उनको समझाया था ना सब भूल गए, भूल गए तो वहां हई हल्ला पड़ गया। बोले यहां पर तो निताई या तो शरीर छोड़ दिया, पूरा गांव के लोग भागते भागते पद्मावती और हड़ाई पंडित और गाय के लोग भागते भागते आए, बोले क्या हो गया क्या हो गया। बोले ऐसे ऐसे, बोले तुम लोग क्या कर रहे थे, बोले हम लोग तो लीला कर रहे थे। बोले कौन सा लीला, बोले रामलीला कर रहे थे। बोले रामलीला में क्या कौन सा लीला थी, बोले एक तरफ में मेघनाद एक तरफ में लक्ष्मण और बंदर सैनिक और बोले युद्ध होगा, युद्ध होते होते मेघनाद बाण मारेगा और छाती में लगते ही बेहोश हो जाएगा। बोले उसको बाद में और कुछ बोले, तो बोले हाँ उसको बाद में तो हनुमान बनाया था। बोले किसको, बोले इसको हनुमान बनाया था। बोले क्या बोला था, बोले ये जाएगा गंधमार्दन पर्वत से विशल करने लाएगा और उसको नाक में सुंघाते ही पूरा फिर हम जी जाएगा। बोले काम कर तू जा भाग कर तू जा कुछ पत्ता फता ले आ, और वो गया जाकर कोई पत्ता उठा कर ले आया और सचमुच से जब उन्होंने
श्री नित्यानंद प्रभु को सुंघा है ना, और नित्यानंद प्रभु गर्जन करते हुए कहां मेघनाथ, कहां मेघनाथ, कहां गया मेघनाथ। बोले इसको क्या हो गया, हाँ इसको क्या हो गया। इतने में सब लोग तो आश्चर्य में पड़ गए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं रामायण पामायण क्या होता है, तो कुछ भी पता नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे लीला कहाँ सीखे। इतने में नित्यानंद प्रभु को पूछे भैया सीखा कहाँ से, बोले तो मेरा लीला ही है, लेकिन लोगों को पता नहीं ना, यही हाँ वही से लक्ष्मण यही बलदेव प्रभु और नित्यानंद प्रभु रूप में, उनको तो पता ही नहीं, बोले तो मेरा लीला ही है। इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर प्रभु लीला करते थे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, हाँ। और उसमें एक लीला की, बोले कौन सा लीला की, जिस समय भगवान राम, जिस समय पाली ने सुग्रीव का पत्नी को छीन लिया और सुग्रीव को लात मार करके किष्किंधा से उसको लात मार करके वहां से भगा दिया। जब भगा दिया इतने में श्री राम सुग्रीव का मिताली हुई। मिताली होने पर बोले बोले देखो तुम्हारी भी स्त्री नहीं और मेरे भी स्त्री नहीं, दोनों स्त्री हैं, दोनों स्त्री अपहरण हो गए, इसलिए दोनों मित्रता अग्नि की साखी करके मित्रता की। बोले मैं तुम्हारी स्त्री को दिला दूंगा, उन्होंने बोले मैं तुम्हारी स्त्री को दिला दूंगा। पहले भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने बाली को मारे, बाली को मार करके उन्होंने सुग्रीव को राज सिंहासन में बैठा दिया और उनका पत्नी को उन्होंने बाबा से दे दिया। जब दे दिया ना, इसको बाद में तो अभी इसका बंदर जाती है ना, साथ में बंदर है, चंचल होते हैं, अभी सुग्रीव को दो दो पत्नी, बाली की पत्नी अपना पत्नी, अभी दो पत्नी पा करके ना सुग्रीव एकदम इतने मस्त हो गया, दिन रात है नाच गान है उसमें एकदम डूब गया, एकदम डूब गया, भूल गया है भगवान राम को। बोले थे देखो अभी ये बारिश का मौसम है, दो महीना बारिश ही होगी, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको बाद में मैं फिर कहाँ पर तुम्हारी सीता है उसको फिर हम लोगों अनुसंधान करेंगे और इस सीता को लाने का हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो तो डूब गया, उसको बाद में भी याद नहीं रहेगा, बस विषय में मस्त हो गया, मस्त हो गया। तो इतने में रामचंद्र तो बड़ी चिंता में पड़े हुए, इतने में राम ने लक्ष्मण को भेजा एक बार तुम जा करके सुग्रीव को किताब नहीं दे करके आना, देखो फोंस करना लेकिन काटना नहीं है, थोड़ी सी केवल उसको चेतावनी दे करके आना। इतने में लक्ष्मण आए, क्या तर्जन गर्जन करते हुए, और इनके रूप देख करके पूरा भगदड़ वहां पर मच गया है, किष्किंधा पर एकदम एकदम भगदड़ मच गई वहां पर, सबके सब बोले तारा को में है। इतने गुस्से में लक्ष्मण ले बोले गुस्से में बोले हाँ। इतने में जिनका नाम था मुरलीधर, अभी वो ठाकुर जी एक चक्रा में, ठाकुर जी को अब देखोगे जब के राय उनको पास में अभी भी वो ठाकुर जी है, तो देखो प्रभु का विरह तुम्हारे अंदर में आएगा और ये विग्रह को जब जब देखोगे ना इसी नित्यानंद प्रभु को दर्शन पा, उन्होंने ये सारे धाम को उन्होंने दर्शन कराया। कहते इनको इसलिए लेकर गए नित्यानंद प्रभु जहां जहां जाएंगे इनका चरण जहां जहां पर पड़ेगा इनकी चरण पर धन्य हो जाएगी, पृथ्वी धन्य हो जाएगी। इसलिए इन्होंने लेकर के उन्होंने 20 साल तक उन्होंने सारे तीर्थ में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते हैं जब उन्होंने श्री कहां पर आए, वृंदावन में जब आए, वहीं पर आते एकदम भाव में विभोर हो गए, अपना वृंदावन धाम अपना धाम है, कैसे कृष्ण कन्हाई और बलराम दोनों भैया कैसे हैं, दोनों भैया कैसे मक्खन चोरी करते थे राक्षस को वध किया, उसी भाव में एकदम मुग्ध हो गए उसी भाव में, और वहीं पर आकर के हा हैं कन्हाई, हाँ कन्हाई तुम कहाँ हो, कन्हाई तुम कहाँ, मंदिर मंदिर में गए थे का मिलन। बोले माधवेंद्र पुरी प्रेम मय कलेवर, प्रेम संगे अनुचर, कृष्ण रस बिनो आर नाही कहार,
माधवेंद्रपुरी रे माधवेंद्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र यहाँ कही अच्छे न बारंबार। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बल बोले माधवेंद्र को जब जो कुछ दे दिया तो खाए, नहीं तो नहीं दिया तो फिर खाए खाते खाते कहां से। भ्रमण करे जहां जहां जाए, भ्रमण करने का फल कहते फल है जब जीवन